वैसे इनाग्रेशन में हम मसरूफ थे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से, हबीबे मिल्लत वहाँ से, अपने मूल साहब की मस्जिद का ने इनाग्रेशन करके वहाँ से मूव हो गए थे। उसके बाद और दो इनाग्रेशन थे एमएलए साहब जनाब अहमद बलाला साहब ऐसे के साथ, हम लोग ऐसे इनाग्रेशन में मसरूफ़ थे। तभी हमको फ़ोन आए कि यहाँ पर ऐसे एमबीटी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ बैनर्स को फाड़ रहे हैं। तो तभी ऐसे मैं और एक दो चार, जिसमें हमारे मेरे साथी वजीउद्दीन सलमान ऐसे मेरे साथ थे, वहाँ पर आकर हम ऐसे सीआई साहब से भी बात कर रहे थे, एसीपी साहब भी थे वहाँ पे। काफ़ी पुलिस हमारा बहुत कोऑपरेट करी, लाइन ऑर्डर ऐसे ख़राब होने से रोकी। और उस सिलसिले में ऐसे आपको ऐसे बीच में से ऐसे चंद जने ये बोल रहे हैं कि हम तेरे को देख लेंगे, तेरे को फलां कर देंगे। इससे पहले भी ऐसे वजी सलमान को जो है इस तरीके के वाक़यात हुए हैं, गुज़िश्ता एक दो महीने पहले भी ऐसे इसी तरीके से वार्निंग दिए कि हम तेरे को देख लें। तो अभी आए हम सलमान के साथ, हम आए यहाँ पर आकर कंप्लेन दिए हैं। अभी सीआई साहब ऐसे कंप्लेन लिए है और उसका एक्नॉलेजमेंट भी है। खाली दूर से बता रहे, एक वर्कर है जिसको ऐसे वो चोट आई उसे जी, जब नहीं देखिए सुनिए, बात ऐसी होती है भाई, चलो हम आपको कुछ करें या हम आपको कुछ छेड़े या हम वहाँ से पीसफुल मूड में लोग एंजॉय कर लेते हुए अपने खायत की एक झलक देखने के वास्ते उमड़ रहे हैं। किसका ने टाइम है भाई आपको कुछ देखने के लिए? कौन देख रहा आपको? आज कोई भी आपको नहीं देख रहा। आज हमारे आवाम जो है अपने खायद को एक नज़र देखने के वास्ते मसरूफ़ थी उनके पीछे, ना हम किसी को बुलाए ना कोई ये रैली थी, मगर अपने चहीते खायद को देखने के लिए उमड़ी पब्लिक। उस दरमियान में ऐसे वहाँ से आकर ऐसे आप चेयर फेंक रहे, क्या वजह है? चेयर किसके भाई? आप अगर आप कुछ चेयर फेंक रहे हैं तो उसकी कोई वजह होना ना, खाली फेंक रहे तो आपका कुछ दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका है, कोई बात नहीं है ना। सभी भेजिए उसको, तो देखेंगे क्या होता है। सीआई साहब का टेलीफोन करिए, अली नाम है वो लड़के को कुछ चेयर लगने से थोड़ा खराश आई है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। लेट इट बी, अपन क्या होता है, सीआई साहब टेलीफोन दिए। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हैदराबाद की जो है जिस तरीके से ये वाकया पेश आया, ये बहुत शर्मनाक वाकया है, क्योंकि आज ऐसे जमात जो है किसी एक की नहीं है, बल्कि जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक की जमात है। तो हर एक जना आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ताकत बख्शना चाहिए, मजलिस की क़यादत को और मजबूत करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे आपके आप लोग बखूबी जानते हैं मलकपेट के आपके हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए जो 24 घंटे में ऐसे 15 से ज़्यादा घंटा जो है आवाम के दरमियान में रहते, किसी भेदभाव के वो नहीं रखते, हर एक के काम में आते हैं। इसीलिए आज मलकपेट में ऐसे अहमद बलाला साहब को दिलो जान से चाहते हैं। तो ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की कायदीन की ये क़ियादत है जो हर वक्त अपने कायदीन को, ये हमारी क़ियादत जो है अपने कायदीन को एक ही मशवरा देती है कि आप आवाम के दरमियान में रहो, आवाम के मुश्किल को दूर करो। थैंक यू। आज आज़मपुरा डिवीज़न में डेवलपमेंट के जो वर्क्स हो चुके हैं उसके इनाग्रेशन से जनाब बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लो लीडर AIMIM और जनाब अहमद बलाला साहब और मलकपेट के तमाम कॉरपोरेटर्स इब्तदाई सदर और मुतमदीन ने मिलकर आज टोटल 10 डेवलपमेंट वर्क्स का इनाग्रेट किया, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद आए थे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट न्यू मलकपेट हॉकी ग्राउंड के पास, उसके बाद फिर चंचलगुड़ा वाइट हाउस, वहाँ से मौली साहब की मस्जिद, उस्मानपुरा मरकज़, MCH क्वार्टर्स आज़मपुरा, ये तमाम जगहों पर 4,60,00,000 के काम हुए हैं, जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ। जो कामों के अंदर VDCC रोड आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून माहौल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क़ायद की मोहब्बत में लाखों लोगों ने इसके अंदर जो है ना हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इसको कामयाब किया। और मैं आप तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके भी कवरेज से इसको और अच्छी तरीके से इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट फोर्स को आगे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके जाएगी। शुक्रिया।